हैरी ब्रूक का शतक। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान मार्करम ने उठा के दिया पटक। रिंकू और राणा की पारी बेकार, क्योंकि हार गई केकेआर। आईपीएल 2023 का 19वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने केकेआर को 23 रनों से पटकनी दे दी है। केकेआर के कप्तान नीतीश राणा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत खराब रही, क्योंकि उनके ओपनर मयंक अग्रवाल 9 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद राहुल त्रिपाठी भी 9 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। वहीं कप्तान एडन मार्करम ने ताबड़तोड़ 50 रन की पारी खेली। मार्करम ने हैरी ब्रूक के साथ मिलकर बड़ी साझेदारी निभाई। इस मैच में हैरी ब्रूक की तारीफ करना तो बनता ही है, उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सभी का दिल जीत लिया। ब्रूक ने मात्र 55 गेंदों में ही सैकड़ा जड़ डाला। ब्रूक के अलावा अभिषेक शर्मा ने 32 रनों की पारी खेली। वहीं हेनरिक क्लासे ने 16 रनों का योगदान दिया। मार्करम और हैरी ब्रूक के साथ साथ एसआरएच की पूरी टीम ने इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी की, जिसके दम पर सनराइजर्स हैदराबाद ने केकेआर को जीतने के लिए 229 रनों का विशालकाय टारगेट दिया। इस मैच में कोलकाता की ओर से आंड्रे रसल ने 2.1 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। वहीं वरुण चक्रवर्ती ने 1 विकेट चटकाया। 229 रन के विशालकाय टारगेट का पीछा करने उतरी केकेआर की शुरुआत बेहद खराब रही। केकेआर के सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। नारायण जगदीशन ने जरूर विकेट पर टिकने की कोशिश की, लेकिन वो बड़ी पारी नहीं खेल पाए और वो 26 रन बनाकर आउट हो गए। इस मैच में वेंकटेश अय्यर भी अपना जलवा दिखाने में असफल रहे और मात्र 10 रन पर आउट हो गए। वहीं कप्तान नीतीश राणा और रिंकू सिंह ने बड़ी साझेदारी की। बता दें, जब ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि केकेआर की जीत अब पक्की है, लेकिन कप्तान राणा के आउट होने के बाद केकेआर की पारी बिखर गई। राणा ने 75 रन और रिंकू सिंह ने 58 रनों की पारी खेली। इस मैच में विध्वंसक बल्लेबाज आंद्रे रसल मात्र 3 रन बनाकर आउट हो गए। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भुवनेश्वर कुमार ने 1 विकेट, मार्को जेंसन ने 2 विकेट चटकाए। इसके अलावा मैक मार्कंडे ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट अपने नाम किए। वैसे बता दे, सनराइजर्स हैदराबाद की इस आईपीएल सीजन में शुरुआत बेहद खराब रही थी। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले दोनों मुकाबलों में हार का सामना किया था। पहले मैच में राजस्थान ने हैदराबाद को 72 रनों से रौंदा था। फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ भी टीम को 5 विकेट से हार मिली थी। इसके बाद पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराकर सनराइजर्स हैदराबाद ने दमदार वापसी की और अब केकेआर के खिलाफ हैदराबाद ने जीत हासिल कर ली है। एडन मार्करम की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की ये लगातार दूसरी जीत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।